एक्मे की जगह ये हुडा ब्यूटी के सड़े गले प्राइमर बिल्कुल वेस्ट है, वेस्ट है। ब्रश का जो डंडा होता है ना उसको क्या बोलते हैं? बात करो ना तो अंदर से टूटा हुआ है। अब इसके ओट भी और भी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो आज के वीडियो में मैं एक बार फिर से आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ मीशो का सबसे सस्ता और अफोर्डेबल मेकअप। एंड इससे सस्ता हॉल तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इस हॉल में जितने भी मेकअप है वो है अंडर ₹149। हाँ जी, इतने सस्ते मेकअप। बट अगर आप मीशो पे मेकअप सर्च करोगे वो भी सस्ता ना, तो बड़े चीप चीप मिलते हैं। बट इस बार मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी वाले मंगवाए, लाइक लैक्मी जैसे ब्रांड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए कि कैसे प्रोडक्ट रिसीव हुए, क्वालिटी कैसी है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वो है ये लियोन ब्यूटी का हाइलाइटर। दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लुक एट द पैकिंग। इसके नीचे साइड ना ब्रश भी है, बट आई डोंट नो व्हाई ये ओपन ही नहीं हो रहा। मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया। प्लस अगर मैं इस हाइलाइटर की बात करूँ ना तो इसमें काफी सारे शेड है। मैंने जो शेड लिया है वो है 01। एंड लुक एट दिस हाइलाइटर, ये बहुत नेचुरल लगता है। प्लस इसमें कोई चंकी पार्ट्स नहीं है। इसे आप एज अ ना इल्यूमिनेटर भी यूज कर सकते हो। एंड लुक एट द ग्लो, कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। प्लस इस हाइलाइटर का प्राइस जस्ट ₹99 है। हाँ जी, इतना सस्ता। जिस प्राइस में ये मिल रहा है ना उस हिसाब से आपको क्वालिटी एक नंबर मिल रही है। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी। दुनिया में सबको संभव है, मीशो फ्रॉड ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने ऑर्डर की थी ये लैक्मी की 9 to 5 प्राइमर जस्ट ₹110 में। बट जो मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है लैक्मी की जगह ये हुडा ब्यूटी के सड़े गले प्राइमर, एक गोल्डन एंड एक नॉर्मल वाला। पैकिंग आप देख सकते हो, लाइक कैसी उथड़ी पुथड़ी सी इसकी पैकिंग आई है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड जो गोल्ड वाला प्राइमर है ना वो कुछ ऐसा सा है। इसमें आपको ना लाइक गोल्ड के चंकी पार्ट्स मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत आपको ग्लो भी मिल जाएगा। बट इट्स जस्ट अ एलोवेरा जेल, उतना भी ज्यादा अच्छा फील नहीं होता इसको अप्लाई करने के बाद। बट हाँ, इसमें थोड़ा बहुत ग्लो आता है टू बी ऑनेस्ट, लाइक आप मेरे हाथ पे देख सकते हो। एंड अगर मैं इस वाले प्राइमर की बात करूँ ना तो ये तो बिल्कुल ही पानी है, कोई भी वर्क नहीं करता। अंदर से अजीब सी इसकी हालत हो रखी है। एंड मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप इस प्राइमर को अपने फेस पे यूज करो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होने वाले हैं। एंड ये आपको इजिली नॉर्मल से पटरी मार्केट पे ना 10-10, 20-20 रुपए में मिल जाते हैं। 110 रुपए में ये बिल्कुल कबाड़ है। बट यार मैं इसे फेंकूंगी नहीं, मैं डेफिनेटली इसे रिटर्न करूंगी अगर ये हो जाता है तो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया था ये 7 Seas का लिप कलर या जेल लिपस्टिक, जो स्विस ब्यूटी का ये वाली आती है ना, जो मेरे पास है ये बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लाइक कॉपी इतने अच्छे से कर रखी है ना कि कोई देख के बता ही नहीं सकता कि ये कॉपी वाला प्रोडक्ट है। ऑल्सो अगर मैं अंदर से भी बात करूँ ना तो बिल्कुल जेल बेस्ड सेम टू सेम फॉर्मूला आपको बहुत सुंदर पिंक कलर देगा। बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो मुझे बिल्कुल टूटा हुआ रिसीव हुआ है, लाइक बिल्कुल टूटा हुआ प्रोडक्ट है। पता नहीं मीशो पे ऐसे क्यों होता है कि जितने भी मैं मेकअप प्रोडक्ट बाय करती हूँ ना उसमें कुछ ना कुछ तो खराबी होती है। बट हाँ, मुझे ये बहुत 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 पसंद आया, क्योंकि अगर आप स्विस ब्यूटी वाला लोगे ना तो उसका प्राइस 175 है, बट ये 7 Seas का सेम टू सेम आपको मीशो पे जस्ट 125 रुपीज में मिल रहा है। हाँ जी, इतना सस्ता, आपके बहुत सारे पैसे बच रहे हैं। प्रोडक्ट है मेरे पास वो है ये ओलिविया का फाउंडेशन, जिसके साथ मुझे ओलिविया का लिप बाम बिल्कुल फ्री मिला है। इसके ऊपर MRP ₹150 है, बट ये मुझे जस्ट ₹120 में मिल गया था मीशो पे। एंड अगर मैं इस लिप बाम की बात करूँ ना तो ये कुछ इस टाइप से ट्यूब फॉर्म में है। एंड काफी ज्यादा ना लाइक इसमें कोई कलर नहीं आता, बट हाँ ओके, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस टाइप से है, एकदम जो नॉर्मल वाले लिप बाम होते हैं ना वैसा ही है। बट बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है एंड काफी ज्यादा मॉइस्चराइज भी रखता है। प्लस आपको बार बार से यूज करने की नीड नहीं पड़ेगी, ये मुझे बहुत पसंद आया है। जो फाउंडेशन है ना वो कुछ इस टाइप की पैकिंग में है। मुझे इसकी पैकिंग ना उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि ₹100 में आपको बहुत अच्छे फाउंडेशन मिल जाते हैं। मुझे जो शेड मिला है वो है 06, एंड यहाँ से ये कुछ ऐसे ओपन हो जाता है। प्लस अगर मैं इस फाउंडेशन की बात करूँ ना तो क्रीमी फॉर्मूला है, बट थोड़ा सा ड्राई। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है, कवरेज इसकी काफी ज्यादा सही है। बट अभी मैंने ना इसे फेस पे यूज नहीं किया तो मैं आपको प्रॉपर रिव्यू नहीं दे सकती, काफी नेचुरल सी इसकी फिनिशिंग है। बट यार स्टिल ₹120 में मुझे ये उतना ज्यादा वर्थ इट नहीं लग रहा है अभी के लिए। जब हम इसे फेस पे यूज करेंगे देन मैं आपको प्रॉपर रिव्यू शेयर करूंगी, तो अभी के लिए इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि आई थिंक इससे भी बेस्ट ऑप्शन है ₹100 में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना उसमें मैं ठगी हूँ या नहीं ठगी हूँ वो आप बताओगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था यहाँ पे ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर, बट कॉम्पैक्ट की जगह मुझे लिपस्टिक रिसीव हुई है। एंड इस पे जो ब्रांड
ब्रांड है वो है एल्पिस गोल्ड। मैंने इससे पहले इस ब्रांड को कभी भी नहीं सुना, बट अगर मैं लिपस्टिक की बात करूं, भाई क्या कमाल की लिपस्टिक है। पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है, बहुत लाइट वेट है, काफी ज्यादा लॉन्ग लास्ट भी करती है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। एंड ऑल्सो ये लिपस्टिक 2-in-1 है, एक जगह आपको लिक्विड लिपस्टिक मिल जाएगी, एक जगह आपको बुलेट लिपस्टिक मिल जाएगी। बट जो बुलेट लिपस्टिक का शेड है ना, वो देखने में सेम टू सेम है, बट जब मैंने इसे यूज किया ना तो ये काफी ज्यादा लाइट लग रहा है इसके कंपेरिजन में, बट ये बहुत ज्यादा सुंदर शेड है। मुझे जो शेड मिला है वो है 06। आई नो कि मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर की जगह ये लिपस्टिक मिली है, बट मुझे ये भी एक नंबर लगी है क्योंकि इसका प्राइस जस्ट 117 रुपए है। एंड इस प्राइस में आपको लिक्विड भी मिल रही है और बुलेट लिपस्टिक भी मिल रही है। बस इसकी जो स्मेल है ना वो मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी है, बट सेट होने के बाद उतनी ज्यादा स्मेल नहीं आती है, तो मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट ही लगी। अगर बजट कम है तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो डेफिनेटली। मेकअप, हील, शूज, कपड़े, कुछ भी चाहिए, मेरा सर्चिंग टॉपिक होता है मीशो, क्योंकि मीशो कभी बजट से बाहर हो ही नहीं सकता। मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ मीशो से, बट इस बार मेरे साथ इतना ज्यादा फ्रॉड हुआ है मीशो पे कि मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि मैंने ऑर्डर की थी ये वाले आईलाइनर जो मुझे बहुत पसंद आए थे, एंड लुक एट द पैकिंग, श्रायन कॉस्मेटिक है ये, कितने ज्यादा खूबसूरत इसकी पैकिंग है। एंड ये कुछ इस टाइप से ओपन होते हैं जिसमें आपको 2 आईलाइनर मिल जाएंगे, एक पर्पल कलर का एंड एक ब्राउन कलर का। पैकिंग है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो बड़े बड़े ब्रांड में आती है ना, सिंपल बेसिक सी लेकिन काफी अच्छी लगती है, वैसी सी है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी इस आईलाइनर के लिए, बट जैसे ही मैंने इस आईलाइनर को ओपन किया, लुक एट द टिप, बिल्कुल खराब हो रखी है एंड प्रोडक्ट चल ही नहीं रहा, बिल्कुल सूखा हुआ प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने ओपन किया एंड ये प्रोडक्ट बिल्कुल वेस्ट था, कुछ भी काम नहीं कर रहा। फिर भी मेरे मन में एक आस थी कि मैं भी हमारा ये ब्राउन वाला आईलाइनर अच्छा निकल जाए। मैंने इस आईलाइनर को ओपन किया तो इसमें ब्रश ही नहीं है, एंड जो आईलाइनर है वो अगेन बिल्कुल सूखा हुआ है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये बिल्कुल खाली प्रोडक्ट है। मैंने इन 2 आईलाइनर के लिए पे किए थे 149 रुपीज, जो मेरे बिल्कुल डूब चुके हैं। आई नो मे बी अगर रिटर्न पॉलिसी हुई तो रिटर्न हो जाएगा, बट स्टिल प्रोडक्ट मुझे इतना गंदा रिसीव हुआ है ना इस बार मेकअप में कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ इस बार मीशो को लेके, वरना मैं कुछ भी शॉपिंग करती हूँ ना मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ही लगता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास, वो है ये मिस रोज का ब्लशर। इसकी जो पैकिंग है ना वो कुछ ऐसी सी है, इसकी आउटर पैकिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट जस्ट लुक एट द इनर पैकिंग, क्या कमाल की है, बहुत सुंदर सिंपल सी। मैंने शेड लिया है वो है 02 बटरी सॉफ्ट, लाइक एज अ आई शेडो पैलेट में जो आई शेडो होते हैं ना वो वाला, इतना ज्यादा बटरी सॉफ्ट। पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है, शेड बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है, काफी नेचुरल लगता है, एक ब्राइडल के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड इस मिस रोज के ब्लशर का प्राइस मीशो पे जस्ट एंड जस्ट 149 रुपीज है। हाँ जी, 150 रुपए में आपको ये ब्लशर मिल रहा है। मैं आपको अगेन रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको बहुत अच्छे वाला ब्लशर चाहिए ना तो आप ये मिस रोज का जरूर ट्राई करो, एंड मिस रोज के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, मैंने बहुत सारे ट्राई किए, कभी भी मैं रिग्रेट नहीं हुई हूँ। बस सिर्फ एक ही वीडियो में मेरे साथ मीशो से इतना ज्यादा फ्रॉड हो गया ना कि अगर मैं सारी वीडियो भी उठा लू ना तो इतना फ्रॉड नहीं हुआ है, क्योंकि अगेन मैंने ऑर्डर किया था ये वाला कंसीलर पैलेट जिसमें बहुत सारे कंसीलर थे, बहुत अच्छा ऑप्शन था, मैंने ऑर्डर कर दिया, बहुत सुंदर भी लग रहा था। बट अगेन जो मुझे रिसीव हुआ है वो है ये MM का कंसीलर पैलेट जो मेरे पास था सेम टू सेम, बट जो अभी मुझे शेड मिला है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट आया। इसमें आपको नॉर्मल वाले शेड मिल रहे हैं लाइक कॉन्टोर, कंसीलर, थोड़ा सा हाइलाइटिंग वाला कंसीलर भी, लाइक काफी सारे स्किन टोन के आपको इसमें शेड्स मिल जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये गंदी डील है, ये पैलेट अच्छी नहीं है, बट इसमें जो आपको क्वांटिटी मिल रही है ना उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कम मिल रही है। उस कंसीलर का जो प्राइस था ना वो 217 रुपए था, एंड उस अकॉर्डिंगली 217 रुपए में ये MM का कंसीलर पैलेट बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि ये आपको इजिली 120 या 149 रुपीज में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वो है ये गोल्डन वाले ब्रशेस। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट आते प्लीज ट्राई करो, प्लीज ट्राई करो, एंड आप लोग बोलो मैं ट्राई ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड लुक एट दिस ब्रशेस, ये देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, एंड इसका जो हैंडल है ना गोल्डन कलर का बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी इसकी शाइन है। इसमें टोटल 11 ब्रशेस मिल जाएंगे, एक इसमें आपको मिल जाएगा ये फिशटेल वाला ब्रशेस जो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, एंड इससे आप बेसिकली अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा चुभ रहा है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। देन इसमें आपको मिल जाता है 5 face brushes कुछ इस टाइप के, बट लुक एट द ब्रशेस, लाइक यहाँ से बाल इसके सारे बाहर आ रहे हैं,
क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसमें आपको ना ये 5 आई ब्रशेज मिल जाएंगे, एक बड़ा फ्लफी ब्रश, देन एक छोटू सा जो काफी ज्यादा डेंस वाला है। नेक्स्ट इसमें आपको एक ये आईब्रो के लिए मिल जाएगा, जिससे आप अपनी आईब्रो आई डोंट थिंक सो फील कर सकते हो। एक आपको ये छोटू सा फ्लैट ब्रश मिल जाएगा लाइक कंसीलर वगैरह अप्लाई करने के लिए या एजेस को क्लीन करने के लिए। एंड देन इसमें अगेन आपको एक छोटू सा ब्रश मिल रहा है। एंड ऑल ओवर अगर मैं इन ब्रशेज की बात करूं तो ये ब्रशेज की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये ब्रशेज के बाल तो बाहर आ ही रहे हैं, ऊपर से ये क्या ही काम करेंगे, मरे मरे से ब्रशेस है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आप इसे कुछ भी यूज नहीं कर सकते, काफी ज्यादा चुभ भी रहे हैं। प्लस इसका जो प्राइस है वो है 177 या 199 रुपीस। एंड मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि इस प्राइस में आप इन ब्रशेस में इन्वेस्ट करो। जो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट है इस हॉल का वो है हमारी ये मिस गोल्ड की आई शेडो पैलेट। कुछ इस टाइप से इसकी आउटर लुक है जो बहुत खूबसूरत है। इसमें आपको टोटल 48 कलर मिल जाएंगे। एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी, किसको प्यार नहीं होगा। बट यहाँ पे ये झड़ता हुआ कलर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये कलर टूटा हुआ रिसीव हुआ है। बट इस पैलेट में आपको कोई ग्लिटर शेड्स नहीं मिल रहा है, मैं आपको पहले ही बता दूं, तभी मैंने ये वाली पैलेट बाय की थी, कुछ तो डिफरेंट लेना चाहिए मुझे। ओके, एंड ऑल्सो अगर मैं इसके पिगमेंट की बात करूं ना, जस्ट आपको ओनली किसी भी कलर को टच करना है एंड दे आर हाईली 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 पिगमेंटेड, बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है, बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाते हैं। ऑल्सो अगर मैं इसके शिमर शेड की बात करूं ना, तो भाई शिमर शेड ना उतने ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है जितना मैं सोच रही थी, बट ओवरऑल अच्छे ही है, लाइक उतने ज्यादा खराब भी नहीं है। आप पिगमेंट देख सकते हो, शिमर शेड ना बेसिकली आप अगर फिंगर से यूज करोगे ना तो ये ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। बट इतनी ह्यूज और इतनी सस्ती आई शेडो पैलेट मैंने आज तक नहीं दिखाई है अपने चैनल पर, क्योंकि इस आई शेडो पैलेट का प्राइस मीशो पे जस्ट एंड जस्ट 299 रुपीज है। हाँ जी, 300 रुपए में आपको 48 कलर की आई शेडो पैलेट मिल रही है। उस हिसाब से इसका जो पिगमेंट है, जो वर्क है, जो सब कुछ है ना, वो एकदम हायर ब्रांड वाला है। मैं आपको हाईली से भी ज्यादा रेकमेंड करूंगी कि इससे पहले ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, इसका प्राइस बढ़ जाए, जस्ट गो एंड बाय। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये मीशो का सस्ता और अफोर्डेबल मेकअप हॉल बहुत पसंद आया होगा। एंड अगर आप पार्ट सेकंड देखने में इंटरेस्टेड हो ना, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, मैं डेफिनेटली लेके आऊंगी। ये वीडियो पसंद आई हो या आपको जो मैंने ये थोड़ी सी नॉलेज दी है वो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, सो प्लीज उसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना। एंड हम जल्दी 3 लाख होने वाले हैं हमारे, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। एंड या मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, आई लव यू, बाय।